नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य 20 खबरों पर। कानपुर देहात के मड़ौली में मां बेटी की जलकर मौत के बाद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी समेत अन्य विधायकों का घर छावनी बन गया है। देहात में जिंदा जली बेटी की होनी थी शादी, बहन बोली मैंने उससे शादी में आने का वादा किया था, क्या पता था अर्थी में आना पड़ेगा। लखनऊ में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर, पुलिस की हिरासत में दो दोस्त। फार्मा के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, खाली प्लॉट में मिला अर्धनग्न शव, हत्या या हादसे के एंगल पर पुलिस कर रही जांच। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जल्द मिलेंगी लाखों नौकरियां, 16 लाख करोड़ के निवेश का काम इस साल ही शुरू हो जाएगा, 13,000 प्रस्ताव हुए फाइनल। ताजमहल पर दो दिन उबड़ेगी रिकॉर्ड भीड़, शाहजहां का उर्स 18 फरवरी, फिर ताज महोत्सव है, एंट्री फ्री है। टाटा की सबसे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक कार टियागो ईवी की लॉन्चिंग आज टाटा शोरूम पीडी नगर में की गई। एलडीएम सुनील, सोसाइटी मोटर्स टाटा के मैनेजर मनीष अवस्थी व अन्य कर्मचारी मौजूद। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, डीएम व एसपी ने कलेक्टर पन्नालाल हॉल में सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। उन्नाव के सोरामो थाना क्षेत्र में दबंगों ने लेन देन के विवाद में काटी नाक, पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर हुई दर्ज। किसान समाधान दिवस का आयोजन, जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने दूरदराज क्षेत्रों से आए किसान बंधुओं की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। बिजनौर नहर में गिरी दुष्कर्म पीड़िता का शव बरामद, 6 दिन बाद गोताखोरों ने निकाला, ग्राम प्रधान और भतीजे ने किया था रेप। गाय के बछड़े को काटने से पहले गोकशों को पकड़ा। अमरोहा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, 2 महीने से था वांछित, ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों के गहने लूटे। बैंक प्रबंधक की जिंदा जलकर मौत, सिलेंडर फटने से 4 झुलसे, रसोई में लाइटर जलाते ही हुआ धमाका। जालौन में ग्राहक सेवा केंद्र की महिला कर्मी का अपहरण, ऑफिस से घर जाते वक्त उठा लिए गए कार सवार बदमाश, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। साहगंज के सड़क हादसे में अधेड़ की मौत, बेटे के साथ बाइक पर जाते वक्त रोडवेज बस की चपेट में आए, बेटा घायल। मथुरा की थाना गोवर्धन पुलिस ने शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया, अपराधी पर 15,000 रुपए का इनाम था। और
बाद में प्रेमी जोड़े से बसलों की वैलेंटाइन डे पर पार्क में रोककर किया परेशान, जबरन प्रेमिकाओं से बदवाई राखी। मुजफ्फरनगर में खेतों में मिले जानवरों के अवशेष गोवंश का बताकर हिंदूवादी संगठनों का हंगामा, पुलिस ने जांच के लिए भेजा अवशेष। शाहजहांपुर में सड़क बनाने के नाम पर हो रहा गोलमाल, 4.5 करोड़ की लागत, 5 साल की गारंटी, लेकिन बनते बनते उखड़ गई सड़क। Audio Jungle.